उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे अरबी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो ढाबा स्टाइल सब्जी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, किस तरह से बना सकते हैं अरबी की बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी। आइए शुरू करते हैं बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 500 ग्राम के करीब अरबी, और ये एक रूट वेजिटेबल है और काफ़ी सॉइल के अंदर रहती है काफ़ी हद तक, तो ये काफ़ी डर्ट होती है, डस्ट होती है इसके ऊपर, तो इसको वॉश करना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसके बाद में इसको इस तरह से पील कर लेंगे। इसको आपको पीलर से पील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको स्क्रैच करना होता है एक नाइफ़ की हेल्प से। तो देखिए इसका जो इसकी जो पील है, इसका जो स्किन है वो हट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच के सर्कल्स में, रिंग्स में कट कर रही हूँ। इस तरह से सारी अरबी को हम काट कर रख लेंगे, और काटने के बाद में अगर आपको देर है सब्जी बनाने में तो आप इसको पानी में रखें, वरना ये हल्की हल्की काली पड़ने लगती है। और इसको काटने से पहले ध्यान रखें हाथों पर थोड़ा तेल लगा लें और उसके बाद काटें, वरना आपकी हाथों में खुजली हो जाएगी। मैंने ऐसा नहीं किया और मेरे हाथों में खुजली हो गई। एनीवेज यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल, सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। ढाबे में जो सब्जियाँ बनाई जाती है सारी की सारी सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, तभी इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 से 4 टेबलस्पून को गरम करके और इसमें डाल दी घुइयां। इस तरह से अरबी को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको हमें इसी तरह से थोड़ी देर भूनना है, लगभग 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो अरबी है थोड़ी सी भुन जाती है, सिक जाती है, तो उसका जो लिबलिबापन होता है, लेस होता है, वो खत्म हो जाता है, साथ ही इसका सौंधापन बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे ना, इससे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो सारी अरबी को हमने फ्राई कर लिया, और ऑयल के बारे में आप बिल्कुल वरी ना करें, क्योंकि जो हमारा बचा हुआ तेल है उसी में ही हम बाकी की सब्जी बनाएंगे, तो तेल बहुत कम यूज़ होगा। सारी अरबी को फ्राई करके रख लिया, अब बचे हुए तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर हीट करेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें डालना है अजवाइन, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है, पर अजवाइन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही ये जो घुइयां होती है काफ़ी ज़्यादा वादी होती है, इसमें वात का जो कंटेंट होता है ज़्यादा होता है इसमें, तो उसको मारने के लिए भी अजवाइन बहुत ज़रूरी है। तो 1 चम्मच अजवाइन डाल दें, नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधी चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, आधी चम्मच जीरा डाल दीजिए, दोनों को चटकने पर आप इसमें डाल दें प्याज का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 प्याज का पेस्ट मिक्सी में पीस कर डाल दिया है, साथ ही 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरह से लंबाई में काट कर डाला है, आप छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें, मीडियम कर दें, और मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को भून लीजिए। सब्जी को और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सूखी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस इसकी अब हमें भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भूनते भूनते आप देख सकते हैं प्याज ने तेल को छोड़ना शुरू कर दिया, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको तेल कम लगे, अगर आपको प्याज भूनने में प्रॉब्लम आए, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल कभी भी बढ़ा सकते हैं। बस सरसों के तेल का इस्तेमाल करें तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, एकदम लाजवाब आपकी सब्जी बनकर रेडी होगी। साथ ही मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाली है 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इसमें डालेंगे आधी से 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मैंने कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च भी डाली है सूखी, तो ऑलरेडी हमारी जो सब्ज़ी है स्पाइसी बनेगी, तो मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च यूज़ की है ताकि हमारी सब्ज़ी का कलर अच्छा आए। आप चाहें तो रेगुलर चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिस तरह से तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर कम ज़्यादा कर दें। अब सारे मसाले को हमें इस तरह से 2 से 3 मिनट और भूनना है, और बस ये मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने क्या किया, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर रफली काट कर मिक्सी में डालकर उसका प्योरे बना लिया, तो वो हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब नमक, ताकि जल्दी से हमारा टमाटर और मसाला भुन जाए। तो 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दें, आप नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो सारे मसाले को अब हमें बहुत अच्छे से भूनना है। जब हमारा मसाला ऑयल को रिलीज करने लगेगा, इसके बाद में हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से छोड़ते जाइए बीच में, आप चाहें तो बीच बीच में अपना कोई काम भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इसको भूनते जाइए। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है, और साथ ही साथ मैं बाकी के काम भी करती जा रही हूँ। अच्छे से मसाले को हमें भूनना है, थोड़ा सा फ्लेम को चाहें तो लो मीडियम करके ढक सकते हैं ताकि मसाला जल्दी से भुन जाए और ऑयल को छोड़ने लगे। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से ढक दिया था, बीच बीच में मैंने 1-2 बार इसको हिला दिया। मसाला हमारा है जिससे ऑयल को छोड़ने लगा है, तो अब इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी, और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद में इस पे वापस से हम ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को लो मीडियम या मीडियम कर देंगे ताकि ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए। जैसे ही हमारी ग्रेवी उबलने लगेगी वैसे ही हम इसमें फ्राई की हुई अरबी डाल देंगे। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है, बॉयल आ चुका है, एक बार मिक्स कर लेते हैं। और हमने अरबी को फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे। आप इसी सब्जी को कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्राई की हुई अरबी हमने डाल दी है इसमें, ढाबे वगैरह में बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाती है, तो वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अरबी को डालने के बाद में इसमें डालेंगे आधी चम्मच के करीब गर्म मसाला, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगाकर हम इसको 10 से 15 मिनट तक धीमी फ्लेम पर पकाएंगे। तो मिक्स करने के बाद में फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम या लो कर दे, और इसके बाद में ढक्कन लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी जो अरबी है वैसे तो थोड़ी सी पक चुकी है, पर ये काफ़ी हार्ड होती है, इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको धीमी आंच करके 10 से 15 मिनट तक कुक करना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि हमारी जो अरबी है अच्छे से अंदर से पक नहीं जाती और सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए मैंने अच्छे से इसको पकाया है, आप देख सकते हैं ऑयल को इसने छोड़ दिया है, काफ़ी सारा ऑयल रिलीज़ किया है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। और अरबी मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत अच्छे से पक चुकी है, देखिए कितनी ईजिली कट रही है, बहुत अंदर से सॉफ्ट है और बहुत बढ़िया ग्रेवी का कलर आया है, बहुत लाजवाब कलर आया है, बहुत ही बढ़िया बनी है। कंसिस्टेंसी भी आप ग्रेवी की देख सकते हैं अपने सामने, बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से भी सब्ज़ी आप खा सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना पसंद है क्योंकि अभी मुझे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दिया। मिक्स करेंगे क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो पानी डालकर वापस से एक उबाल ले लेंगे। पर इससे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं एक चम्मच के करीब अमचूर पाउडर खटास के लिए, साथ ही लास्ट में ऐड करेंगे अपना सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो कि है कटा हुआ हरा धनिया, बहुत अच्छी खुशबू देगा, रंगत देगा, हरे धनिए के बिना तो कोई भी सब्ज़ी आप बनाए अधूरी है। तो मेरे किचन में तो जो कोरिएंडर लीव्स है मस्ट है, मेरी सब्ज़ी हमेशा ही इनकम्प्लीट होती है हरे धनिए के बिना। तो देखिए मैंने हरा धनिया डाल दिया, वापस से इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और बस ये हमारी यहाँ पर अरबी की बहुत ही टेस्टी रसेदार सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको सूखी सब्जी खानी है, लिपटमा सब्जी खानी है, तो आप इसमें पानी जो लास्ट में हमने डाला है वो ना डालें, और बस ये देखिए आप उसी में ही डाल सकते हैं अमचूर पाउडर और धनिया डालकर मिक्स कर लीजिए, 1 मिनट ढककर पका लीजिए। और यहाँ पर मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से पका लिया, सॉरी लाइट जा चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ लास्ट में, बहुत अच्छे से अरबी पक चुकी है हमारी। तो बस अरबी की सब्जी बनकर तैयार है, इसी तरह से बिल्कुल ढाबा स्टाइल आप अपने घर में बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कैसी लगी रेसिपी लिखकर जरूर बताएं, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। ठंडे होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ग्रेवी कितनी बढ़िया है और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है, बहुत ही टेस्टी है, आप इसको अपने घर में बनाकर जरूर देखें। रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी लंच या डिनर में खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू अगेन विद यू न्यू रेसिपी, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय बाय।